मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्य इन दिनों आसमान से बरस रही आग से परेशान हैं। कई राज्यों में गर्मी के चलते कई लोगों की मौत भी हुई है। देश प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो कोशिश करें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शनिवार की सुबह सर्किट हाउस क्रमांक पर पहुंचकर वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। आज भी आसमान से आग बरस रही है और देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया है। कई जगह पशु पक्षी टपक गए पेड़ों पर बैठे बैठे और इंसानों ने भी अपनी जानें खोई है। ये जागने का वक्त है। हम अपनी धरती माता को सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बनाएं। आज इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है और प्रयास सबको करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पर्यावरण के लिए काफ़ी चिंतित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई तरह के कार्यक्रम तय, लेकिन सरकार के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा और हम में से हर एक को प्रयत्न करने पड़ेंगे। और सबसे सार्थक प्रयत्न है वृक्षारोपण। मैं भी गिलहरी की तरह एक प्रयास करता हूँ, रोज पेड़ लगाता हूँ और हम में से हर एक ये तय करें। जबलपुर के महापौर जी कह रहे हैं कि 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हर एक तय करे अपने गांव में, अपने शहर में, हम वृक्षारोपण के लिए स्थान तय करें, वृक्ष लगाएं भी, वृक्ष बचाएं भी। और सभी भाई बहनों से, बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि किसी भी शुभ अवसर पर, जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर या माता पिता की स्मृति में भी सबसे बढ़िया काम कोई हो सकता है तो पेड़ लगाएं। इसके साथ साथ मेरी अपील है कि गर्मी के इन दिनों में अपने घर के बाहर एक बर्तन में पानी रखें या पेड़ों से भी पानी के बर्तन टांगे जा सकते हैं, ताकि परिंदों को, पक्षियों को भी पानी मिल जाए। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का भी इस पर अधिकार है। तो ये काम भी जो भारत का सोच है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है, तो उसी के अनुरूप होगा। धरती को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। टीम लोकमंगल।